सिवान में जेल के अंदर कैदी करेंगे छठ पूजा, मंडल कारा में गूंजेंगे छठ गीत, जेल के अंदर ही बन गया है छठ घाट, 22 कैदी करेंगे छठ पूजा। जी हां, छठ महापर्व की शुरुआत कल से हो गई है। इस क्रम में महापर्व मनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। स्थानीय मंडल कारा में भी छठ महापर्व की तैयारी शुरू कर दी गई है। हर साल की तरह इस साल भी बंदी मंडल कारा में धूमधाम से छठ व्रत करेंगे। मंडल कारा प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कुल 23 बंदियों ने इस बार छठ पूजा करने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। इनमें से एक पुरुष जबकि 22 महिलाएं शामिल है। मंडल कारा प्रबंधन भी बंदियों की आस्था और निष्ठा को ध्यान में रखते हुए परिसर में छठ घाट बनाया जा रहा है। हालांकि महिला और पुरुष बंदियों के लिए अलग अलग छठ घाट बनाया जाएगा। कपड़ा और पूजा सामग्री बंदियों को दिया जाता है। मंडल कारा प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि मंडल कारा में छठ महापर्व के अवसर पर व्रतियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सभी तरह की तैयारी की जाती है। सभी को नया कपड़ा, पूजा सामग्री के अलावा फल और अन्य सामान भी उपलब्ध कराया जाता है। बंदी पूरे विधि विधान से परिसर के भीतर इस महापर्व को मनाते हैं। क्या कहते हैं मंडल कारा अधीक्षक? स्थानीय मंडल कारा अधीक्षक देवाशीष सिन्हा ने बताया इस वर्ष कुल 23 बंदियों ने छठ महापर्व मनाने की इच्छा जाहिर की है। प्रबंधक की ओर से छठ व्रतियों को कपड़ा और अन्य पूजा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। छठ घाट बनाया जा चुका है। जेल में बंद महिला व्रती को जेल प्रशासन सहित जेल में बंद सभी कैदियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जेल के अंदर विचाराधीन महिला कैदी पूरी आस्था के साथ छठ व्रत कर रही हैं। विभिन्न मामलों में जेल में भले ही इन महिलाओं को जेल में रहना पड़ रहा हो, लेकिन धर्म और आस्था के प्रति उनकी निष्ठा इतना अटूट है कि जेल में भी भगवान सूर्य की आराधना के लिए छठ पूजा कर रही हैं। बता दें कि 4 दिनों के इस पर्व में व्रती मंगलवार को नहाए खाए से व्रत की शुरुआत करेंगे। बुधवार को खरना किया जाएगा, जबकि गुरुवार को अस्ताचलमी और शुक्रवार को उदय मान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद व्रती पारण करेंगे।